खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए और वो भी बने बस घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फूड मेनिया बाय शिखा झा में। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ एक न्यू डिजर्ट की रेसिपी, जिसको कि हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड के साथ और रस्क के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाली है। यकीन मानिए, इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये स्वाद में भी बहुत टेस्टी है। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम रेडी करेंगे कस्टर्ड, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। मैंने कितनी सारी रेसिपीज़ में आपको कस्टर्ड बनाने की रेसिपी शेयर की है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी डिटेल में बता देती हूँ। इसको बनाने के लिए हमने 2 कप दूध लिया है, जिसमें से 1.5 कप दूध तो हम कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख देंगे और 1/2 कप दूध में हम कस्टर्ड का पाउडर घोल कर इसकी स्लड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो दोनों ही कप दूध को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दें और पानी के साथ कस्टर्ड का घोल बना सकते हैं। 2 चम्मच या 3 चम्मच के करीब पानी डालेंगे, इससे इसका घोल बन जाएगा। 2 बड़ा चम्मच हमने लिया है कस्टर्ड पाउडर और इसका घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। दूध में मलाई जो थी ना उबालने के बाद आई थी, उसको भी मैंने साथ में ही रहने दिया है। अब दूध को बहुत अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। दूध को मैंने पहले ही बॉयल करके ठंडा कर लिया था, इससे क्या हुआ था कि उसके ऊपर मलाई आ गई थी और डिज़र्ट है तो मलाई के साथ उसका टेस्ट तो और बढ़ जाता है। तो इस वजह से दूध को पहले ही एक बार गर्म कर लें। दूध गर्म हो चुका था तो उसमें हमने डाल दिया चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 1 कटोरी भरकर चीनी डाला है और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कस्टर्ड का जो घोल हमने रेडी किया है उसको। कस्टर्ड वाले घोल में लम्प्स बिल्कुल भी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कस्टर्ड को गाढ़ा कितना बनाना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करें। चैनल पर अगर आपने न्यू विजिट किया है तो सबसे पहले तो आपका वेलकम है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को याद से प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की बहुत सारी यम्मी रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। कस्टर्ड अच्छे से बन चुका है। कस्टर्ड को हमें इतना ही गाढ़ा रखना है, क्योंकि हमें कस्टर्ड को ठंडा नहीं होने देना है। गर्म कस्टर्ड के साथ ही ये डिज़र्ट हमें सेट करना है। इसका कलर बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फूड कलर। आपके पास केसर हो तो उसको दूध में भिंगोकर डाल सकते हैं, लेकिन आजकल तो केसर में भी मिलावट है, उतना कलर नहीं आ पाता है। तो इसके लिए 1 पिंच के करीब हमने डाला है येलो फूड कलर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले मैंने 1 पिंच फूड कलर डाला था, 2 पिंच भी फूड कलर डाल दिया क्योंकि इसका कलर मुझे बिल्कुल येलोइश करना है। इस तरीके से 2 पिंच के करीब हमने येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसका कलर देख सकते हैं आप, बहुत ही लाजवाब है। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँ। स्पैचुला को इस तरीके से टर्न करेंगे, वो अच्छे से कोट हो रहा है, तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। इसे 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने दिया, ये इस तरीके से जमने लगा है। बहुत ज़्यादा ठंडा इसको हमने नहीं किया है। अब फटाफट से सेट कर लेते हैं इसकी पुडिंग जो हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने इस तरीके का एक मोल्ड लिया है और लिया है साथ में रस्क। तो इसको कैसे करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। इसके लिए हमने लिया है शुगर सिरप। शुगर सिरप मेरे पास पहले से रखी हुई थी, क्योंकि मैं फूड चैनल चलाती हूँ, मेरे पास शुगर सिरप बची हुई थी तो उसका ही इस्तेमाल किया है। आपके पास नहीं है तो आप चीनी और पानी को डालकर एक तार की चाशनी बना लें। साथ ही में इसकी गार्निशिंग के लिए हमने लिया है एलमंड और टूटी फ्रूटी। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा सकते हैं इसको गार्निश करने के लिए। तो चाशनी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब देर न करते हुए सेट कर लेते हैं पुडिंग। तो पुडिंग सेट करने के लिए पहले मोल्ड में हम डालेंगे जो कस्टर्ड हमने बनाकर रेडी किया है, उसकी एक लेयर लगाएंगे और उसके बाद हम रस्क की लेयर लगाएंगे। रस्क को पहले हम शुगर सिरप के अंदर डिप करेंगे और उसके बाद इसको सेट करेंगे। मैंने इस पुडिंग को रस्क के साथ बनाया है, आप चाहे तो इसे वाइट ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। वाइट ब्रेड की साइड एजेस को काट कर और उसको आप रस्क की जगह पर इसके अंदर पोर करेंगे, उससे भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आपको जो भी पसंद हो, रस्क या ब्रेड, उसके साथ ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपको भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। और इस रेसिपी की खासियत क्या है कि इसको आप गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन मुझसे अगर आप पूछते हो तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको बिल्कुल चिल्ड ठंडा कर लो, उसके बाद सर्व करो, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से इसकी लेयर लगाते जाएंगे। रस्क के बाद फिर से हम डालेंगे इसके ऊपर टूटी फ्रूटी, देन फिर से हम डालेंगे कस्टर्ड, फिर उसके बाद डालेंगे रस्क। इस तरीके से जो भी ये रेसिपी ट्राई करें, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। तो इस तरीके से इसकी हम लेयर लगा देंगे।
खाने के बाद डिजर्ट खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ बने तो डिज़र्ट बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि इतनी गर्मी में कुकिंग करना ही बहुत बड़ी बात है, तो डिज़र्ट की तो हम लेडीज सोचते ही नहीं है। अगर इस तरीके से आप ये डिज़र्ट बना कर रख लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वन टाइम में ये डिज़र्ट को फिनिश कर लेना है, आप इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके इन्जॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसकी लेयर लगा दी। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम फिर से एक कस्टर्ड की लेयर, और उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम टूटी फ्रूटी। तो आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं, आप विदाउट ड्राई फ्रूट्स भी इसको बना सकते हैं। फूड कलर डालने से इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत हो गया है, क्योंकि पहले डिज़र्ट हो या कोई भी रेसिपी हो, लोग पहले आँखों से खाते हैं, क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी वो टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होगी, तो लुक और प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इस तरीके से ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। तो ये देखिए, एक लेयर हमने लगाई, अब दूसरा लेयर भी हम इसी तरीके से सेट कर लेंगे, और इस पुडिंग को हम 1 घंटे तक फ्रिज में ठंडा होने देंगे, और उसके बाद ठंडा ठंडा ये पुडिंग सर्व करेंगे। घर में सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं, ये इतनी यम्मी लगती है। तो मेरी रिक्वेस्ट पर ये रेसिपी एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो ये देखिए, इसके ऊपर हमने डाल दिया है टूटी फ्रूटी, और फिर से हम लगाएंगे रस्क की लेयर। तो रस्क को मैंने पहले ही शुगर सिरप के अंदर डिप कर दिया है, 2 लेयर मैंने लगाई है। ये रेसिपी मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आई। आप जब भी ये रेसिपी ट्राई करें तो आपके घर वालों का एक्सपीरियंस हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं वेट करूँगी कि आपके कमेंट्स कब आएंगे। इसके ऊपर डेकोरेशन कर दिया हमने बादाम के साथ। आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगाइए और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। मिलती हूँ न्यू वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। मैं तो चली इस रेसिपी को गर्मा गर्म इन्जॉय करने, तो आप इस रेसिपी को बनाइए और गर्म चाहे तो गर्म और ठंडा चाहे तो ठंडा इन्जॉय कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।